कैथल के करनाल रोड में बाईपास के आगे एक पराली के स्टॉक में आग लगने का मामला सामने आया है। जमीन के मालिक किशन लाल ने बताया है कि उसने अपनी जमीन के कुछ किल्ले 2 वर्ष के लिए नरेश गुप्ता नामक व्यक्ति को पराली का स्टॉक रखने के लिए ठेके पर दे रखे थे। अब 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैंने आगे किराए की मांग की तो उसमें सारी पराली को तो उठा लिया और बची हुई पराली अवशेष के चारों तरफ ढेर लगा दिए और कई दिन पहले भी उसमें आग लगाने की कोशिश की तो मैंने उसे रोका और पानी का बोर जमीन को गीला कर दिया था, क्योंकि मेरे पास ही लगभग 150 फलदार पौधे हैं जो पिछले 6 वर्षों से मैंने लगा रखे हैं, जो फलों से लदे हुए हैं। आज उसने फिर मौका देखकर पराली में आग लगा दी ताकि वह बीमा कंपनी से बीमा वसूल कर सके। जब जमीन का मालिक मौके पर पहुंचा तो चारों तरफ आग ही आग थी और लगभग 150 फलदार पौधे जलकर खाक हो गए। देखो जी, पहला ये पराली लगाई थी इसने, पराली लगाई थी, ठेका पर लिया था जी इसने, ठेका पर लिया, पराली ना हो गए 2 साल लगे ना जी, ये देंगे पीछे देंगे, ये भी पराली तो गया था, ये मेरा एफिडेविट पूरा हो लिया था, मैं बोल हाँ मैंने ठेका पर दे रखी थी जी, ये मेरा इसका दिन पूरे हो लिए थे, आगा ये हमारी यू शर्त थी भी जो इतने दिन के लिए नहीं लावा तो 2 लाख रुपये महीना इन्हें देना पड़ेगा, एफिडेविट बना कर दे रखा जी इसने। तो ये बोलिया इन्हें पराली पराली ठा ली, फूस मेरे पेड्या का लवा ला दिया जी, ये चार चर बीच में लवा लवा पेडे थे, बीच का सटाक ठाका और फूस लवा लवा लगा दिया जी, ये फूस में आग लगान लग गया जी। एक दिन मेरे को पता लग गया उरा नौकर ना करन, मैं तो आंदा नहीं जी, उरा ढोड़ खेड़ी गाँव में, तो मैं आया देखू जी आ रहे नू, बोले भाई नू का तन्ना के मतलब मेरी पराली भाई मेरे पेडे फूक गए जी, यू बोलिया जी मैंने डीसी की मंजूरी लिया रखी है, डीसी ने बुला लिया भाई मैं तो ठीक है ना, तो मन्ना बोर चला दिया, मन्ना बोर चला दिया जुरा को पानी हो गया, उस दिन तो बग गया जी, ये बात 10-12 दिन की होगी, फिर मेरा चिंती लाग रही है जी, हम लेंटर पान लाग रहे थे जी, ये भी मेरे पास तो फोन गया इसका मुंशी का, ताऊ का तेरा खेत में आग लग रही है, और पड़ोसी ला दी, मैं पड़ोसी के थम लाए होंगे जब थम नुका आ जा, तो देखे जी जीवरा आग लग रही है, मेरे तो 150 पेडे है जी, सारे जलका खाक हो गए, और मैं मेरे तो जी देखो भी के बनागा के नहीं बनागा, नुका मैंने बीमा मिल जाएगा, मैं पराली तो उठा गया ना, मेरे बीमा का मिला गया था। 112 पर पोस्टेड हूँ। अभी कौन सी जगह पहुंचे हो, क्या सूचना मिली थी? अभी हम यहाँ करनाल रोड पर बाईपास के पास पहुंचे हैं, हमारे को आग लगने की सूचना मिली थी, जो तूड़ी का स्टोक है, इस बारे हमने अपने थाना में वह फायर ब्रिगेड को बुलाया है, फोन करके फायर ब्रिगेड अब आग बुझाने के लिए लगी हुई है। तो क्या पाया आगे? आगे तो अब पता चलेगा जी, आगे की तो फिर चलेगी कार्रवाई, उसमें अगर इनकी लगाई है किसी ने या खुद ने लगाई है वो आगे की कार्रवाई, फिर मारे को तो शायद 15-20 मिनट पहले ही सूचना मिली है, उसी टाइम हम पहुंच लिए 7-8 मिनट में। तो अभी तक जो आपने देखा है क्या? अभी तो क्या देखा है इसका, कह तो नहीं सकते कुछ, वो तो कहते हैं लगाई अपने आप लगी है, किसी ने लगाई है वो परली साइड से। अच्छा, अब ये जमींदार कहता है जी इसने खुद ने लगाई है, इसके बारे में तो बाद में ही तस्दीक होगी। जिस तरह से पेड़ लगाने के लिए अनेक मुहिम चलाई जाती है, जो पेड़ लगाए हुए थे छोटे पौधे वो जल गए, इस पे कोई कार्रवाई? हाँ बिल्कुल करवाएगा, तो इस पर कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल कार्रवाई होगी उसमें, बिल्कुल हो सकता है, हाँ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जमीन के मालिक कृष्ण कुमार काफी भावुक हो रहे हैं और रोने लगे और उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जांच जारी है। बहरहाल अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जमीन मालिक कृष्ण कुमार को न्याय मिलता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।